हेलो एवरीबॉडी, इट्स देवेश बैक इट अगेन विद इन अनदर वीडियो। सो कैसे हो आप सब? आज हम करवाने वाले हैं 10th क्लास की जो आपकी बुक्स है, जिसका नेम है, आपको पता ही होगा नेम क्या है उसका। नहीं पता? चलो कोई नहीं, अभी हम बता देते हैं। फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये जो आपकी बुक है 10th क्लास की, इसका चैप्टर नंबर आज हम करवाने वाले हैं 9th। जैसे कि आपको दिख गया होगा थंबनेल में, चैप्टर का नाम है भोली। भोली जो है बहुत भोली लड़की है, ये कह सकते हो, बहुत ही नादान सी है, छोटी सी बच्ची है। उसके बारे में ये चैप्टर है कि किस तरह से वो अपने शादी से मना कर देती है, और वो जो छोटी सी लड़की है उसके जो बचपन में हादसे हुए थे उसके साथ, वो आज हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। भोली जो है, ये चैप्टर ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है। वो एक भारतीय लेखक थे, पटकथा, चित्रकथा तथा उपन्यास के पत्रकार भी थे। उन्होंने हिंदू, उर्दू तथा आदि भाषाओं में अपना काम करने के लिए संग्रहित किया है। ये जो कहानी है एक लड़की भोली के बारे में है, जिसका सिर जो है ना खाट पर से गिर जाता है और उसके ना चोट लग जाती है, और उसके जो सर का एक बड़ा सा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा कह सकते हो चाहे बड़ा हिस्सा, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब कि चोट के कारण काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। पिछड़ी हुई बच्ची बनकर रह गई, और अब वो जो लड़की है ना, वो बाकी लड़कियों के मुकाबले एबनॉर्मल सी हो जाती है, मतलब कि पिछड़ जाती है, उसका दिमाग जो है ढीला हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना स्क्रू टाइट नहीं है इसका, तो उस तरह से समझ सकते हो स्क्रू टाइट नहीं है। तो आगे जो वो लड़की है वो बताती है कि सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे स्कूल के अंदर, जब वो जाएगी अभी हम पढ़ेंगे, और उसकी ज़िंदगी जो है किस तरह से बदल जाती है। एक दयालु शिक्षक है जो कि उसके हकलाने की समस्या पर काबू पा लेती है, और वो जब हकलाती है तो एक शिक्षक है जो उसकी हेल्प करती है, किस तरह से उसको ठीक करती है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जब उसकी शादी को कहा गया तो वो मना कर देती है, उसकी दहेज प्रथा की वजह से। शादी में जो लोग लालची होते हैं तथा अपने बुढ़ापे के माता पिता की सेवा जो करना चाहती है, वो लड़की ऐसी है। सारी चीज़ें हम इसके बारे में रीड आउट करेंगे, तो आइए करते हैं अब चैप्टर की समरी स्टार्ट। ये जो कहानी है ये एक लड़की भोली के बारे में है, जिसका असली नाम सुलेखा होता है। अब उसका जो रियल नेम है वो एज अ सुलेखा होता है। वो कुछ दिमागी क्षति से पीड़ित होती है और इसकी हकलाने का काम करता है। अब दिमाग जो है उसका थोड़ा ख़राब हो जाता है गिरने की वजह से, जब खाट पे से गिरी थी, इसी कारण उसकी जो आवाज़ है थोड़ी सी हकलाई भी हो जाती है, मतलब कि अटक अटक के बोलना। इसके अलावा उसे चेचक के रोग का सामना करना पड़ता है, जिससे उसके चेहरे पर चोट के निशान छोड़ दिए होते हैं। अब चेहरा जो है ना उसका काफ़ी भद्दा सा, अजीब गंदा सा लगता है, क्योंकि ना उसके चेहरे पे जो बीमारी है, बीमारियों से क्या होता है निशान आ जाते हैं चेहरे पे या शरीर पे, तो वो हटते नहीं है जल्दी से। उसको हटाने के लिए काफ़ी मेहनत, ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके अलग से, जो कि उनके पास पैसा नहीं है वो करवा सके। आगे वो बताते हैं, चेहरे पर चोट के निशान आ गए, जिससे वो काफ़ी बदसूरत सी लगती थी। इस तरह से वो सुस्त और बदसूरत चेहरे के कारण लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, साथ ही लोगों ने उसे भोली क्या, उसकी जो सोच है वो काफ़ी पिछड़ी हुई थी तथा इसलिए उसे, क्योंकि वह पिछड़ी हुई बच्ची भी कहने लगे। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 छोटे और 4 बेटियां। अब उन्होंने बताया कि 4 जो 3 थे ना उसके बेटे थे और 4 लड़कियां थी रामलाल के पास, जिसमें से एक भोली भी थी। भोली सभी बेटियों में सबसे छोटी वाली बेटी थी। भोली को छोड़कर बाकी सभी स्वस्थ और मजबूत थे। 6 के 6 बच्चे जो थे, 3 लड़के और 3 लड़कियां ठीक थे, बस एक भोली जो थी सबसे छोटी और कमज़ोर सी थी, मतलब कि बीमारी से ग्रस्त थी। उन्हें उसकी शादी की भी चिंता होती थी। उसके पेरेंट्स सोचते थे कि जब बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी कैसे होगी, इसकी शादी कौन करेगा इससे शादी, इसके जो चेहरे पर दाग है, इसका सर जो है दिमाग ख़राब रहता है, वो चीज़ सोच के। एक दिन तहसीलदार साहब गाँव में खोले गए एक प्राथमिक स्कूल का उद्घाटन समारोह में भाग लेने आई। एक बार स्कूल के अंदर एक स्कूल खोला गया, मतलब गांव के अंदर तहसीलदार साहब जो होते थे वहाँ के मेयर हैं, जैसे समझ सकते हो। उन्होंने रामलाल की अपनी छोटी बेटी को स्कूल में भेजने के लिए कहा, हालांकि भोली की माँ उसे स्कूल भेजने में समर्थ नहीं थी, फिर भी वो मान गई। अब भोली की जो माँ थी वो चाहती थी नहीं, उसकी बेटी जो छोटी है वो स्कूल नहीं भेजना चाहती थी भोली को, मगर अब वो भेजने लगी। वो बोली, चलो ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं इतना भेज देती हूँ, तो स्कूल भेजना चालू करा। सबसे पहले स्कूल के बारे में सुनकर जो है भोली घबरा जाती है, हालांकि जब उसे अच्छी तरह से देखभाल की गई, अच्छे कपड़े तथा नई नई चीज़ें दिलाई गई, तो वो मानने लगी कि अपने घर से बेहतर जगह के लिए जाया जा रहा है। जब उसको नई नई चीज़ें पहनाई गई, तो बच्चों को होता है ना, जैसे पुराने कपड़े पहनाओ तो सोचते हैं नहीं हमें घर में बिठाएंगे, और अगर कहीं नए कपड़े पहनाओ तो उनको लगता है अभी हमें नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं, कहीं घूमने को लेके जाने वाले हैं, तो वो स्कूल को इस तरह से घूमने की जगह समझने लगी और वो चली जाती है।
अब वो आगे धीरे धीरे बेहतर जगह ले जा रहे हैं वो सोचकर चली जाती है। लड़कियों को देखकर वो खुश थी, वो देखने लगी कि उसकी उम्र की बहुत सारी लड़कियां हैं। वे उनमें से एक दो को अपना दोस्त बनाना चाहती थी। हालांकि सब शिक्षक के उसका नाम पूछा, जब टीचर आई क्लास में, टीचर ने उसका नाम पूछा तो वह हकला गई और सभी लड़कियां जो है उस पर हंस पड़ी। बच्चे जो होते हैं ना वो काफ़ी मन के सच्चे होते हैं, ये भी कहा जाता है एक तरह से। वो छोटी सी लड़की जब हकलाने लगी, उसकी आदत जब थी हकलाने की, तो वो बच्चे बाकी हंस पड़ते हैं उसके ऊपर। इससे वो बुरी तरह हतोत्साहित हो जाती है। हतोत्साहित का मतलब है शर्म से झुक जाना या शर्म आ जाना, उसके अंदर हीन भावना एक पैदा हो जाती है, क्योंकि बाकी बच्चे जब हंसते हैं ना कोई बच्चे पे, तो वो हीन भावना से रो पड़ता है। तो ऐसे ही भोली भी वहाँ पर रो पड़ी। लेकिन शिक्षक जो थी वो एक दयालु महिला थी, काफ़ी काइंडनेस, काफ़ी अच्छी जो टीचर थी, उसने उस बोलने से प्रोत्साहित किया और उसने भोली को कहा, तुम्हें चुप रहने का अधिकार नहीं है, तुम बोलो, तुम्हें बाकी बच्चों की सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम बोलो। तो ऐसा उसने उसको मोटिवेट करा। इसके अलावा उसने कहा कि अगर वह रोज़ स्कूल आती है तो वो पूरी तरह से हकलाना दूर हो सकता है। वो कहने लगी, अगर तुम रोज़ स्कूल आओगी तो तुम्हारा हकलाना जो है धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाएगा और तुम अच्छी हो जाओगी। इससे भोली की आशा में एक नए जीवन का संकेत जगा। भोली सोचने लगी, अच्छा ये तो ठीक बात है। फिर वो रोज़ स्कूल आने लगी। वर्ष बीतते गए, गांव एक छोटा शहर बन गया। अब गांव धीरे धीरे शहर में तब्दील हो गया। इसके अलावा थोड़ा प्राथमिक स्कूल एवं हाई स्कूल में बदल गया। जो स्कूल था छोटा सा, वो अब प्राथमिक स्कूल हाई स्कूल में बदलता गया। अन्य सुधार भी आए गांव में, काफ़ी सारे चेंजेस आ गए। सड़कें नई बन गई, पक्के घर हो गए, धीरे धीरे काफ़ी बदलाव आ गया। भोली के शादी के रिश्ता का प्रस्ताव आया। अब धीरे धीरे भोली जो है वो बड़ी हो चुकी थी। अब वो स्कूल में नहीं, अब वो पढ़ाई कर चुकी थी अपनी ख़त्म, और हकलाने की आदत जो है भूल चुकी थी धीरे धीरे। तो अब वो शादी का रिश्ता आता है। ये एक लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से था जिसके बेटे या बच्चे को बड़े हो गए थे। एक लंगड़ा बूढ़े व्यक्ति से था जिसके बच्चे बूढ़े हो गए थे। हालांकि रामलाल और उसकी पत्नी सहमत थे, क्योंकि उसे अच्छी तरह से सेटल था, जो लड़का है वो काफ़ी अच्छा था, ठीक ठाक था, इसलिए वो भोली के रिश्ते के लिए सेटल के लिए मान गए। भोली की बहनों को अपनी बहन की शादी में धूमधाम से भव्यता दिखने को मिली। अब भोली की जो देखी थी, भोली ने अपनी बहनों की शादी, बाकी बहनों की, उसमें देखा, उसने धूमधाम से कितनी अच्छे तरीके से उनकी शादी निपट जाती है। उसने सोचा मेरी भी ऐसी होगी। हालांकि जब उसने दूल्हा दुल्हन की माला पहनाने वाला था, तब एक महिला ने दुल्हन के चेहरे पर घूंघट हटा दिया। जब दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही थी, उसी समय एक औरत ने भोली के चेहरा से जो घूंघट होता है वो हटाया। बिसंबर ने बिना दहेज के ऐसी बदसूरत लड़की को शादी करने से इनकार कर दिया। अब उसने बिसंबर ने देखा कि कितनी बदसूरत लड़की है जिसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं, जो कि भोली है, और इतनी बेकार लड़की जिसके दिमाग ख़राब है, तो इसको बिना दहेज के कैसे शादी कर सकते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में परंपरा रही है, कोई भी लड़की जो थी वो दहेज के बिना शादी नहीं करी जाती थी। अब एक तो दहेज भी नहीं मांगा, ऊपर से इतनी बेकार लड़की दे रहे हैं जिसके चेहरे पे दाग है, और बदसूरत सी लड़की मतलब उनको अपने लड़के के लिए दे रहे थे। तो रामलाल जो था उसने राशि का प्रबंध भी कर लिया, मतलब कि दहेज देने का उसके पापा ने प्रबंध किया, भोली के पापा ने। मगर जो बिसंबर थे, जो लड़के के पिताजी थे, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम शादी से नहीं करेंगे, शादी से इनकार कर देते हैं। हालांकि भोली ने ऐसे लालची व्यक्ति से शादी करने का इनकार कर दिया। भोली बोली, मुझे भी कोई शौक नहीं है, मैं भी इनसे शादी नहीं करना चाहती और मैं ही शादी से मना कर रही हूँ, आपको इनको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने मना कर दिया। उसे हकलाए बिना बोलने के लिए लोग चौंक गए। अब जैसे ही उसने बिना हकलाए बोला, तो लोग उसको तिरछी निगाह से, मतलब सर उठा के देखने लगे कि ये लड़की तो हकलाती थी। उसे हकलाने के बिना बोलने के देखकर लोग चौंक गए। दूल्हा वापस लौट आया। अब दूल्हा जो था वापस लौट आया। भोली ने अपने पिता से कहा, उन सभी उनकी और मां तथा बुढ़ापे में सेवा करेगा। अब भोली ने कहा कि मैं जो हूँ, वो कहने लगा अपने पिता से कि मुझे जो है अपने पास रख लो, मैं आप सबकी सेवा करूँगा, आपके जीवन का साथी बनूँगा, ऐसे ऐसे वो कहने लगा। इसके अलावा वो स्कूल में भी पढ़ाएगी, जगह से उसकी बहुत सारी अच्छी चीज़ सीखेगी। वो बोलने लगे कि मैं स्कूल में पढ़ाकर अपनी नौकरी करूँगी, आप लोगों की सेवा करूँगी और अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखूँगी। तो इस तरह से भोली ने शादी से मना कर दिया, और दहेज प्रथा के साफ खिलाफ थी, जो कि अब ख़त्म कर देनी चाहिए, वो ऐसा मानती थी। तो आपको यहाँ पर जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को अगर असाइनमेंट या नोट्स चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकता है, परचेज कर सकता है, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी के लिए इतना ही। See you and bye bye.